हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू स्टडी वायर यूट्यूब चैनल। और अपनी जो एनवायरनमेंट की सीरीज चल रही है उसका ये लेक्चर नंबर 21 है। अभी तक टोटल 20 लेक्चर अपलोड किए जा चुके हैं और इसमें हम चैप्टर वाइज क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं, जिसमें जो टोटल 30 क्वेश्चन लिए गए हैं वो चैप्टर पर्यावरण प्रदूषण से हैं। और जिन लोगों ने अभी तक 20 लेक्चर नहीं देखे वो उन्हें देख लीजिए। उसमें क्या होगा कि हर लेक्चर में 30 to 50 क्वेश्चन है, स्टार्टिंग के जो लेक्चर है उनमें, तो समथिंग 700 क्वेश्चन हम अभी तक कवर करा चुके हैं। और ये सारे क्वेश्चन वह है जो कि पिछले कुछ वर्षों में जो TET के एग्ज़ाम हुए हैं, हरियाणा, यूपी, MP, राजस्थान, बिहार, इन सारी TET में तो उनमें पूछे गए हैं। और CTET के भी कुछ क्वेश्चन लिए गए हैं वर्ग 3 और 2 के। तो इससे क्या होगा कि आपकी बहुत बेहतर तैयारी हो जाएगी। और अभी तक आप जो पढ़ रहे हैं वह सारी चीज़ें एक टेस्ट के माध्यम से आप अपने आप को चेक भी कर सकते हैं कि आप किस लेवल पे खड़े हैं और आपकी तैयारी कैसी चल रही है। तो मित्रों, मेरे अनुसार तो आपको पिछले लेक्चर भी देखना चाहिए और इस लेक्चर में आप जितने नंबर भी लाओगे, पहले आप क्वेश्चन को पढ़ने के बाद खुद आंसर लगाइएगा और जितने नंबर लाओगे आप कमेंट में बिल्कुल कमेंट करिएगा। इससे ये पता चलेगा कि आप जितने लोग ये वीडियो देख रहे हो उनमें आप किस स्तर पे जा रहे हैं, मतलब आपको और कितनी अच्छी तैयारी करनी चाहिए। ठीक है, तो आइए लेक्चर स्टार्ट करते हैं। तो मित्रों, सबसे पहला क्वेश्चन होगा इस लेक्चर का कि वायु प्रदूषण से नहीं होते हैं। ठीक है, तो जो चार रोग के नाम यहाँ दिए हैं इनमें वायु प्रदूषण से कौन सा रोग नहीं होता है। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट होगा इसका आंसर, पाचन तंत्र से संबंधित रोग। ठीक है, तो जो वायु प्रदूषण है उससे पाचन तंत्र से संबंधित रोग नहीं होते हैं। और अगर हम पाचन तंत्र से संबंधित रोग की बात करें तो ये केवल और केवल खाद्य पदार्थों से होते हैं। ठीक है, और अगर हम आगे बात करें तो जो कैंसर है वो काफ़ी चीज़ों बीमारियों से होता है, मतलब ये बोल सकते हैं कि वायु प्रदूषण से श्वसन संबंधित बीमारियां श्वसन संबंधित बीमारी कैंसर तथा इमारतों का क्षय होता है। ठीक है, श्वसन संबंधित बीमारी होती है और इमारतों का क्षय होता है। और अगर हम और आगे बात करें तो श्वसन से संबंधित रोगों में फेफड़ों को हानि होती है। अगर श्वसन संबंधित रोगों की बात करें तो फेफड़ों को हानि होती है। इसके होने वाला रोग होता है दमा, मतलब श्वसन संबंधित जो रोग होता है वो होता है दमा। यह एक संक्रामक बीमारी है, कौन सी, तो श्वसन संबंधित। जबकि कैंसर बीमारी में कोशिकाओं की असामान्य वृद्धि होती है। अगर हम कैंसर की बात करें तो इसमें कोशिकाओं की असामान्य वृद्धि होती है, ये सारी चीज़ें याद रखिएगा। और वायु प्रदूषण से होता है क्या, तो श्वसन संबंधित रोग और इमारत का क्षय। परंतु कौन सा नहीं होता है, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट होगा इसका आंसर, पाचन तंत्र से संबंधित रोग। तो क्वेश्चन नंबर सेकेंड कि अम्लीय वर्षा का कारण निम्न में से किसकी सांद्रता में वृद्धि है। ठीक है, तो अम्लीय वर्षा जो होती है वो क्या हो जाता है, एसिड रेन जिससे बोलते हैं। तो अम्लीय वर्षा का कारण निम्न में से किसकी सांद्रता में वृद्धि है, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट होगा इसका आंसर, SO2 और NO2 की वृद्धि से अम्लीय वर्षा होती है। ठीक है, या हम ये बोल सकते हैं कि जब वर्षा का pH मान, जब जो वर्षा हो रही है उसकी जो pH वैल्यू है या pH मान 5.6 से कम हो जाए, जब होने वाली वर्षा का मान 5.6 से कम हो जाए तो उसे अम्लीय वर्षा कहते हैं। और मुख्य गैस हो जाएगी इसमें SO2 और NO2। ठीक है, और हम ये बोल सकते हैं आगे कि SO2 और NO2 विभिन्न स्रोतों से उत्सर्जित होती है, मतलब इनका स्रोत कहीं भी और कुछ भी हो सकता है। ठीक है, उद्योग हो सकते हैं या फिर परमाणु रिएक्टर हो सकते हैं, तो वहाँ से SO2 और NO2 निकलती है। तो अगर हम SO2 की बात करें तो ये जल से क्रिया कर H2O से क्रिया कर H2SO4 बना लेती है। ठीक है, और वहीं पर अगर हम NO2 की बात करें तो ये जल से क्रिया कर H2O से क्रिया कर ये बना लेती है HNO3। ठीक है, जिसे नाइट्रिक अम्ल बोलते हैं, इसको सल्फ्यूरिक अम्ल बोलते हैं, और ये दोनों एसिड रेन के रूप में होती है। और आपको ये भी याद रखना है कि जब 5.6 से कम हो जाए pH वैल्यू तो उसे ही अम्ल वर्षा कहते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड, ओजोन परत की मोटाई मापने की इकाई है। ठीक है, तो वेरी सिंपल क्वेश्चन है ये। तो ओजोन परत की मोटाई मापने की जो इकाई होती है वो होती है डॉप्सन। ठीक है, ऑप्शन नंबर सेकंड होगा इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर फोर्थ कि कौन सी गैस अधिकतम वायुमंडलीय तापमान में वृद्धि के लिए उत्तरदायी है, मतलब वायुमंडल का जो तापमान में रेगुलर वृद्धि हो रही है जिसे ही हम कहते हैं ग्रीन हाउस प्रभाव। तो वायुमंडल में जो तापमान में वृद्धि का स्पेशली कारण है, तो यहाँ जो चार ऑप्शन होंगे इसमें हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड।
तो कार्बन डाइऑक्साइड के कारण सबसे अधिक तापमान बढ़ता है। बाकी और भी गैसें जैसे मैथेन भी यहाँ सही है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन भी सही है, नाइट्रस ऑक्साइड। परंतु जो चारों ऑप्शन है इसमें सबसे महत्वपूर्ण उत्तरदायी गैस कौन सी है, तो कार्बन डाइऑक्साइड, जिसको हम CO2 बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 हो जाएगा कि चार्नोबिल दुर्घटना किससे संबंधित है। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है ये, चार्नोबिल दुर्घटना किससे संबंधित है। तो ऑप्शन नंबर 3 होगा इसका आंसर, नाभिकीय दुर्घटना से। ठीक है, तो चार्नोबिल दुर्घटना संबंधित है नाभिकीय दुर्घटना से। और इसमें अगर और बात करें तो चार्नोबिल दुर्घटना नाभिकीय दुर्घटना से संबंधित है जो 26 अप्रैल 1986 में हुई थी। ठीक है, याद रखिएगा डेट, 26 अप्रैल 1986 में हुई थी चार्नोबिल दुर्घटना। कब हुई थी? 26 अप्रैल 1986 में, और परमाणु रिएक्टर संबंधित है। हुई कहाँ थी? तो हम ये बोल सकते हैं यूक्रेन एक कंट्री है, यूक्रेन के चेर्नोबिल न्यूक्लियर पावर प्लांट में हुई थी। ठीक है, यूक्रेन के चेर्नोबिल न्यूक्लियर पावर प्लांट में हुई थी। और इस परमाणु दुर्घटना को दुनिया की सबसे बड़ी परमाणु हादसा माना जाता है। मतलब ये जो चार्नोबिल दुर्घटना थी, ये परमाणु हादसे के क्षेत्र में सबसे बड़ी दुर्घटना माना जाता है, जो कि 26 अप्रैल 1986 को हुई थी। क्वेश्चन नंबर 6 की बात करें तो वायु प्रदूषण का कौन सा स्रोत नहीं है। ठीक है, वायु प्रदूषण का कौन सा स्रोत नहीं है? तो ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा सी आंसर, ठोस अपशिष्ट। ठीक है, ठोस अपशिष्ट वायु प्रदूषण के अंतर्गत नहीं आता। वाहन से निकलने वाला धुआं आता है, उद्योग से निकलने वाला आता है, और धूल के कण, ये सभी वायु प्रदूषण के अंतर्गत आते हैं, पर ठोस अपशिष्ट वायु प्रदूषण के अंतर्गत नहीं आता है। क्वेश्चन नंबर 7, कौन सी गैस ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी है? ठीक है, जो चारों गैस हैं इसमें निम्न में से कौन सी गैस ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी है? तो ऑप्शन नंबर 3 होगा इसका आंसर, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड। मतलब जो वायुमंडल का तापमान बढ़ा दे उसे ही ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं, और ऑप्शन नंबर जिसे ग्रीन हाउस प्रभाव। तो ऑप्शन नंबर सी होगा इसका आंसर, कार्बन डाइऑक्साइड। निम्न में से कौन वायु प्रदूषण का एक उदाहरण है? ठीक है, जो चारों चीज़ें दे रखी है इनमें वायु प्रदूषण, निम्न में से कौन वायु प्रदूषण का एक उदाहरण है? तो ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा, सॉरी, देखो अगर धुआं और कोहरा है ये भी एक वायु प्रदूषण का कारण है, और वाहनों से निकलने वाली गैस ये भी वायु प्रदूषण का एक कारण है, और जलती लकड़ी या चारकोल से निकली गैस ये भी वायु प्रदूषण के उदाहरण है। तो यहाँ दिया कि निम्न में से कौन वायु प्रदूषण का एक उदाहरण है, तो ये तीनों के तीनों हो जाएंगे इसके आंसर, तीनों ही वायु प्रदूषण के उदाहरण है। मतलब यहाँ पर जो आया इनमें से कोई नहीं, तो यहाँ आएगा ये सभी। ठीक है, ये सभी ही वायु प्रदूषण के उदाहरण हैं, तो ऑप्शन नंबर डी होगा इसका आंसर, पर यहाँ होगा ये सभी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 9 कि इनमें से कौन सा या कौन सी गैस ग्रीन हाउस गैस के लिए सबसे ज़्यादा उत्तरदायी है? तो इनमें से कौन सी गैस ग्रीन हाउस गैसों के लिए सबसे ज़्यादा उत्तरदायी है? ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी होगा इसका आंसर, कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड सबसे ज़्यादा उत्तरदायी है ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए। क्वेश्चन नंबर 10, सल्फर डाइऑक्साइड का प्रदूषण निम्नलिखित में से किसके अत्यधिक वृद्धि का सूचक है? मतलब अगर सल्फर डाइऑक्साइड अधिक बढ़ जाती है वायुमंडल में, तो ऐसा कौन सा सूचक है जो कि ये बता देता है कि वायुमंडल में सल्फर डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ गई है? तो ऑप्शन नंबर होगा इसका सेकेंड आंसर, लाइकेन। तो लाइकेन एक ऐसा पौधा है जो कि चट्टानों तथा पेड़ों की छालों पर उगता है। तो लाइकेन याद रखिएगा, चट्टानों और पेड़ों की छालों पर उगता है, और सामान्य वर्षा इसके लिए पोषक का कार्य करती है। मतलब जो सामान्य वर्षा होती है इसके लिए पोषक का कार्य करती है, मतलब इसे जीवन प्रदान करती है। और यदि वर्षा में वायु प्रदूषण, विशेष रूप से सल्फर डाइऑक्साइड जो अम्ल वर्षा के रूप में पाई जाती है, सल्फर डाइऑक्साइड जो कि अम्ल वर्षा के रूप में पाई जाती है, तो लाइकेन को हानि पहुंचता है। इसलिए इसको सल्फर डाइऑक्साइड के प्रदूषण के संकेत के रूप में जाना जाता है। ठीक है, तो लाइकेन को बोल सकते हैं हम सल्फर डाइऑक्साइड के प्रदूषक के रूप में जाना जाता है। मतलब इससे पता चल जाता है कि अगर इसे कुछ प्रभावित हुई या हानि हुई लाइकेन को, तो हम ये बोल सकते हैं कि अम्लीय वर्षा का मान बढ़ चुका है, अम्लीय वर्षा हुई है। ठीक है, जिसकी वैल्यू थे 5.6 पीएच वैल्यू से कम। क्वेश्चन नंबर 11 कि स्वास्थ्य को, ठीक है, स्वास्थ्य को संकट में लाने डालने वाला सबसे गंभीर वायु प्रदूषक कौन सा है? मतलब हमारे स्वास्थ्य को सबसे अधिक संकट में लाने के वाला ऐसा कौन सा प्रदूषक है जो कि सबसे अधिक संकट में ला देता है? तो ऑप्शन नंबर 1 होगा इसका आंसर, सल्फर डाइऑक्साइड। ठीक है, SO2 एक
ऐसा है प्रदूषक जो कि हमारे स्वास्थ्य को सबसे अधिक हानि पहुंचाता है, इन चार ऑप्शन के अनुसार। क्वेश्चन नंबर 12 कि निम्नलिखित में से कौन सा सामान्यतः वायु प्रदूषक नहीं है, मतलब ये चारों गैसें इनमें वायु प्रदूषक नहीं है, तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा इसका डी आंसर, ठीक है, नाइट्रस ऑक्साइड। हम ये बोल सकते हैं कि निम्नलिखित में कौन सा सामान्य वायु प्रदूषक नहीं है, तो आ जाएगा नाइट्रस ऑक्साइड। अगर हम हाइड्रोजन सल्फर डाइऑक्साइड हाइड्रोकार्बन सल्फर डाइऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड, ये तीनों तो वायु प्रदूषक है, परंतु यहाँ पर नाइट्रस ऑक्साइड वायु प्रदूषक नहीं है। अगर हम और इसकी बात करें तो नाइट्रस ऑक्साइड, जिनको सामान्यतः लाफिंग गैस के नाम से जाना जाता है, ठीक है, नाइट्रस ऑक्साइड जो है N2O इसका फॉर्मूला होता है, तो नाइट्रस ऑक्साइड को और या N2O को सामान्यतः लाफिंग गैस के नाम से जाना जाता है। यह अम्लीय वर्षा के लिए भी जाना जाता है, मतलब जो N2 है N2O, ये अम्लीय वर्षा के लिए भी जाना जाता है, परंतु इसे स्पेशली लाफिंग गैस कहते हैं। और इसके अतिरिक्त इसी का उपयोग, मतलब N2 का उपयोग निश्चेतक या एनेस्थीसिया के रूप में भी किया जाता है, ठीक है, बेहोश करने के लिए, जिसे कहा जाता है जब ऑपरेशन करते हैं या सीजर किया जाता है तो विशेष अंग को शून्य कर दिया जाता है, तो उसमें एनेस्थीसिया उसे कहते हैं, और उसमें NO2 का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। और हम ये भी बोल सकते हैं कि यह रॉकेट में ऑक्सीकरण के लिए भी प्रयोग किया जाता है, मतलब जो NO2 है नाइट्रस ऑक्साइड, यह वायुयानों में ऑक्सीकारक के रूप में भी प्रयोग किया जाता है। तो इतना आप याद रखिएगा कि ठीक है, नाइट्रस ऑक्साइड जो कि वायु प्रदूषक के रूप में नहीं जाना जाता। क्वेश्चन नंबर 13 कि निम्नलिखित में से कौन से ईंधन से सबसे कम पर्यावरण प्रदूषण होता है, मतलब ऐसा कौन सा ईंधन है जिससे सबसे कम पर्यावरण प्रदूषण होता है, तो चारों ऑप्शन के अनुसार अगर देखा जाए तो हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन ऐसा ईंधन है जिसमें वायुमंडल में हम सबसे कम प्रदूषण फैलता है, और बाकी जो डीजल केरोसिन और कोयला, इसमें सबसे अधिक प्रदूषण फैलने के पूरे पूरे चांस होते हैं। हम ये बोल सकते हैं कि हाइड्रोजन का जो यूज़ है ना, वो विद्युत ताप में किया जा सकता है, और ये भी बोल सकते हैं कि जो हाइड्रोजन से एक ईंधन विकसित किया जाता है जिससे गाड़ियाँ चलती है। क्वेश्चन नंबर 14 कि फसलों पर DDT का छिड़काव किस प्रकार प्रदूषण उत्पन्न करता है, तो फसलों पर DDT का छिड़काव किस प्रकार प्रदूषण उत्पन्न करता है, तो हम ये बोल सकते हैं कि जो DDT है, ठीक है, सॉरी, किस प्रकार प्रदूषण उत्पन्न करता है, तो इसका आंसर हो जाएगा थर्ड, मृदा तथा जल प्रदूषण। तो जो DDT का छिड़काव करते हैं तो इससे मृदा प्रदूषण और जल प्रदूषण होता है। DDT एक क्लोरीन युक्त कार्बनिक कीटनाशक है, मतलब जो DDT में स्पेशली क्लोरीन पाया जाता है, जो लगभग गंधहीन होता है, जो DDT है गंधहीन होता है, स्वादहीन होता है और सफ़ेद क्रिस्टलीय ठोस होता है। यह जल विरोधी पदार्थ है, मतलब जल में घुलनशील नहीं है, मतलब जल विरोधी है, और जल लगभग अविलय है, मतलब कम से कम विलय है, पर जल को प्रभावित करता है, किंतु लगभग कार्बनिक विलायकों में विलय है, मतलब जो भी कार्बनिक विलायक होते हैं उनमें विलय है, तथा मृदा द्वारा अवशोषित कर लिया जाता है। जो DDT है मृदा द्वारा अवशोषित कर लिया जाता है। यह जीवित जीवों के लिए हानिकारक होता है, और DDT मुख्यतः जल व मृदा को प्रदूषित करता है, और DDT का पर्यावरण पर बहुत विपरीत प्रभाव पड़ता है, तथा इसके दुष्प्रभाव को देखते हुए विश्व के बहुत देशों ने इसे प्रतिबंधित कर दिया है। और DDT का फुल फॉर्म भी याद रखिएगा, डाइक्लोरो डाइफेनिल ट्राइक्लोरो एथेन। क्वेश्चन नंबर 15 कि निम्नलिखित में से कौन सबसे ज़्यादा ठोस अपशिष्ट उत्पन्न करता है, तो चारों ऑप्शन के अनुसार हो जाएगा उत्पादन क्षेत्र, ठीक है। तो उत्पादन क्षेत्रों में सबसे अधिक ठोस अपशिष्ट उत्पन्न होता है, ठीक है, ठोस अपशिष्ट उत्पन्न होता है किससे, तो उत्पादन क्षेत्र से। क्वेश्चन नंबर 16 की ओर चलते हैं, तो क्वेश्चन नंबर 16 ऐसा कुछ हो जाएगा कि जल में प्रदूषकों के रूप में मौजूद लोहे और मैग्नीज, ठीक है, लोहा और जल प्रदूषक के रूप में लोहा और मैग्नीज को किसके द्वारा नहीं हटाया जा सकता, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा सेकेंड आंसर, क्लोरीनीकरण के द्वारा आयरन और या लोहा और मैग्नीज को हटाया नहीं जा सकता। आगे अगर हम बात करें तो जो क्लोरीनीकरण द्वारा जल में उपस्थित लोहा और मैग्नीशियम को नहीं हटाया जा सकता, क्योंकि क्लोरीन का उपयोग जल में उपस्थित सूक्ष्म जीवों को मारने के लिए प्रयोग किया जाता है। हम ये बोल सकते हैं कि जो स्विमिंग पूल होता है उसमें स्पेशली क्लोरीनीकरण क्रिया कराकर उसमें उपस्थित हानिकारक जीवाणुओं को मारा जाता है, और इससे लोहे और मैग्नीशियम को नहीं हटाया जा सकता। क्वेश्चन नंबर 17 कि निम्नलिखित में से
किस ग्रीन हाउस गैस में सर्वाधिक ऊष्मा रोधी क्षमता होती है, मतलब जो चारों ऑप्शन दिए इसके अनुसार सर्वाधिक ऊष्मा रोधी क्षमता किसमें होती है, तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा इसका फर्स्ट, ठीक है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, इसमें यह सबसे अधिक ऊष्मा रोधी क्षमता रखता है। आगे अगर हम बात करें तो ग्रीन हाउस गैसों में सर्वाधिक ऊष्मा रोधी क्षमता क्लोरोफ्लोरोकार्बन में होती है, और क्लोरोफ्लोरोकार्बन सबसे हानिकारक ग्रीन हाउस गैस है। अगर हम यही CFC की बात करें तो सबसे ज़्यादा हानिकारक ग्रीन हाउस गैस है, जो कार्बन डाइऑक्साइड की तुलना में 1000 गुना ज़्यादा हानिकारक है, मतलब जो CFC है वो CO2 की तुलना में 1000 गुना ज़्यादा हानिकारक है। और हरित ग्रीन गैस में कार्बन डाइऑक्साइड सबसे प्रमुख है। हरित ग्रीन गैस की बात करें तो कार्बन डाइऑक्साइड, और अगर हानिकारक की बात करें या ऊष्मा रोधी क्षमता की बात करें तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन। क्वेश्चन नंबर 18 कि वायु प्रदूषण सूचक के रूप में निम्नलिखित में से कौन काम आता है, ठीक है, तो वायु प्रदूषण के सूचक के रूप में कौन काम आता है, तो अभी ये क्वेश्चन हम देख चुके हैं, दोबारा से आए तो ऑप्शन नंबर इसका फोर्थ होगा इसका आंसर लाइकेन, ठीक है। तो हम ये बोल सकते हैं कि वायु प्रदूषक सूचक वे होते हैं जो वायु की उपस्थिति में अपनी नैसर्गिकता खो देते हैं, मतलब वो जैसा है वैसा नहीं रहता, उसमें कुछ परिवर्तन आ जाता है। तो लाइकेन इसी प्रकार का वायु प्रदूषक है जो अम्लीय वर्षा के कारण नष्ट हो जाता है, जो कि वायु प्रदूषण को का भी सूचक है, क्योंकि वायु प्रदूषण में जब SO2 और NO2 की मात्रा मिलेगी तब ही अम्लीय वर्षा होगी, और अम्लीय वर्षा होगी तो लाइकेन प्रभावित होगा, जो कि चट्टानों पर और पेड़ पौधों की छालों पर पाया जाता है। तो स्पेशली वायु प्रदूषण सूचक के रूप में निम्नलिखित में किसका प्रयोग किया जाता है, तो लाइकेन का। क्वेश्चन नंबर 19 हो जाएगा, वर्ष 1952 में महान धुंध वायु प्रदूषक की एक गंभीर घटना जिसने खालिस्तान को प्रभावित किया था, मतलब 1952 में एक महाधुंध की वायु प्रदूषक से संबंधित घटना सामने आई थी जिससे इन चारों बड़ी कंट्रियों में से बड़े शहरों में से किसे सबसे अधिक हानि उठानी पड़ी थी या कहाँ यह फैला था, तो ऑप्शन नंबर होगा इसका सेकेंड आंसर लंदन। हम ये बोल सकते हैं कि 1952 में ग्रेट स्मॉग, या जिसे बोलते हैं महान धुंध, ठीक है, ग्रेट स्मॉग, जिसे बिग धुंध बिग स्मॉग के नाम से भी जाना जाता है, एक गंभीर वायु प्रदूषण की घटना थी जिसने दिसंबर 1952 में, ठीक है, महीना भी याद रखिएगा कि दिसंबर 1952 में लंदन को प्रभावित किया था, और ये हुआ था 5 दिसंबर से 9 दिसंबर के बीच। अगर हम और आगे बात करें तो सरकारी चिकित्सालयों की रिपोर्ट के अनुसार 4,200 लोगों को धुंध के प्रत्यक्ष परिणाम स्वरूप मृत्यु हो गई थी, मतलब 4,200 लोगों की इसमें मृत्यु भी हो गई थी, और समथिंग 1,00,000 लोग इसमें बीमारी से प्रभावित हो गए थे। क्वेश्चन नंबर 20 कि मोटर गाड़ियों के एग्जॉस्ट से निकलने वाली निम्नलिखित गैसों में कौन सी गैस जहरीली होती है, मतलब हम ये बोल सकते हैं कि ग्रीन हाउस गैसों के एग्जॉस्ट से निकलने वाली कौन सी गैस जहरीली होती है, ठीक है, तो इसमें ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा सेकेंड आंसर कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, तो कार्बन डाइऑक्साइड ऐसी है जो कि ईंधन के अपूर्ण ज्वलन के कारण निम्नलिखित में से निकलती है, तो मोटर गाड़ियों के एग्जॉस्ट से निकलने वाली गैस कौन सी जहरीली गैस है, तो इसका आंसर हो जाएगा पहला कार्बन मोनोऑक्साइड। क्वेश्चन नंबर 21 ईंधन के अपूर्ण ज्वलन के कारण निम्नलिखित में से कौन सी गैस उत्पन्न होती है, तो ईंधन के अपूर्ण ज्वलन के कारण कौन सी गैस उत्पन्न होती है, तो हम ये बोल सकते हैं इसका भी आंसर हो जाएगा सेकेंड कार्बन मोनोऑक्साइड। जब कोई ईंधन जलता है और उसे ऑक्सीजन की कमी होती है तो उससे निकलने वाला जो धुआं होता है उसमें मैक्सिमम कार्बन मोनोऑक्साइड होती है, तो इसलिए इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा सेकेंड आंसर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 22 स्मॉग किसका संयोजन है, तो जो स्मॉग होता है वह किसका संयोजन है, तो ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा डी धुआं और कोहरे का, ठीक है, तो धुआं और कोहरा से मिलकर बनता है क्या स्मॉग, तो ऑप्शन नंबर फोर्थ होगा इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 23 ग्रीन हाउस प्रभाव का क्या अभिप्राय है, ठीक है, ग्रीन हाउस प्रभाव का क्या अभिप्राय है, तो ऑप्शन नंबर सी होगा इसका आंसर, ठीक है, वायुमंडल गैसों के कारण सौर ऊर्जा को रोकना, ठीक है, वायुमंडल गैसों के कारण सौर ऊर्जा जो कि पृथ्वी से परिवर्तित होती है उन्हें रोकना और वायुमंडल का तापमान बढ़ा देना। इसमें दो क्वेश्चन स्पेशली याद रखिएगा कि ग्रीन हाउस प्रभाव की जो खोज हुई थी वो हुई थी
ग्रीन हाउस गैस की जो खोज हुई थी 1824 में हुई थी, और की थी किसने, तो जोसेफ फूरियर ने, ठीक है, जोसेफ फूरियर ने 1824 में ग्रीन हाउस गैस की खोज की थी, और 1858 में, ठीक है, 1858 में इसका सबसे पहली बार प्रयोग किया था, और ये प्रयोग किया था जॉन हिल्टन ने, ठीक है। तो दो क्वेश्चन याद रखना कि जॉन हिल्टन ने 1858 में ग्रीन हाउस गैस का प्रयोग किया था और 1824 में इसकी खोज हुई थी जो कि जोसेफ फूरियर ने की थी। क्वेश्चन नंबर 24, ओजोन परत के क्षरण के कारण क्या होता है, तो ओजोन परत के क्षरण के कारण स्पेशली एक बीमारी होती है त्वचा कैंसर नाम की। क्वेश्चन नंबर 25, समताप मंडल में पराबैंगनी किरणों को किसके द्वारा अवशोषित किया जाता है, तो जो कि समताप मंडल, ठीक है, जिसकी ऊंचाई अगर हम बात करें तो समताप मंडल होता है 30 से 50, और उसमें अगर हम बात करें तो समताप मंडल में पराबैंगनी किरणों को रोकने के लिए स्पेशली यूज होता है किसका, तो ओजोन का, जिसका फॉर्मूला होता है O3, ठीक है। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 26 की, ओजोन परत किस किसकी प्रतिक्रिया से बनती है, ठीक है, तो चार ऑप्शन आप पढ़ लीजिएगा। तो क्वेश्चन नंबर 26 की, ओजोन परत किस किसकी प्रतिक्रिया से बनती है, तो ऑप्शन नंबर इसका आंसर हो जाएगा ए, ठीक है, ऑक्सीजन और पराबैंगनी किरणें से मिलकर बनती है। हम ऐसा कुछ बोल सकते हैं अगर इसकी रिएक्शन की बात करें तो सबसे पहले जो O2 होता है वो HNU, ठीक है, वायुमंडल में, मतलब वायु पराबैंगनी किरणों से जब क्रिया करता है तो ये OO में टूट जाता है, ठीक है, O+O। फिर अब एक ऑक्सीजन और एक O2, और हम ये बोल सकते हैं कि वायुमंडल में उपस्थित नाइट्रोजन, ठीक है, N2 क्रिया करके यहाँ पे बना लेती है O3, ठीक है, याद रखिएगा। इस प्रकार ओजोन परत का निर्माण होता है, और होता किससे, तो चारों ऑप्शन के अनुसार आंसर हो जाएगा ऑक्सीजन और पराबैंगनी किरणों से। क्वेश्चन नंबर 27, इनमें से कौन सी गैस ग्रीन हाउस गैसों या एक ऐसी गैस है जो ओजोन परत को क्षति पहुंचा सकती है, तो ये जो चारों गैसें दी है इनमें से एक ऐसी कौन सी गैस है जो कि ओजोन को क्षति पहुंचा सकती है, तो ऑप्शन नंबर सी होगा इसका आंसर, CHClF2, ठीक है, CHClF2 जो कि ओजोन परत को क्षति पहुंचा सकती है चारों ऑप्शन के अनुसार। अगर हम बात करें तो CHClF2 इसका जो पूरा नाम होता है क्लोरो डाइफ्लोरोमेथेन, ठीक है, इसी को बोलते हैं क्लोरो डाइफ्लोरोमेथेन, CHClF2 कहा जाता है। और आगे अगर हम बात करें तो यह एक ग्रीन हाउस गैस है जो वायुमंडल के समताप मंडल में उपस्थित ओजोन परत का अपघटन कर देती है, जिसमें ओजोन परत पतली हो जाती है और इसमें छिद्र हो जाता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 28 की, जैव आवर्धन निम्नलिखित में से किस विषैले पदार्थ के लिए सुविदित है, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा सेकेंड आंसर, ठीक है, कि जैव आवर्धन निम्नलिखित में से किस विषैले पदार्थ के लिए सुविदित है, तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड, पारा। चलिए आज जो टाइपिस्ट था उन्होंने दो क्वेश्चन इसमें से गायब कर दिए हैं, इसके लिए हम माफी चाहते हैं, इन्होंने 28 क्वेश्चन लिखे हैं इसमें। तो मित्रों आज के लेक्चर में तो इतना ही, आपके 28 में से टोटल कितने मार्क्स आए हैं आप प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। इससे क्या होगा कि जो भी इस लेक्चर को देख रहा है वो कमेंट के द्वारा ये पता कर सकता है, और आप सभी लोग कि आप किस स्तर पे खड़े हैं। तो वीडियो कैसा लगा आप बिल्कुल ये भी बताइएगा, और इनमें हम क्या एक्स्ट्रा सुधार कर सकते हैं लेक्चर में, ये सारी सजेशन आपके लिए बिल्कुल आमंत्रित है कि आप हमें सजेस्ट कर सकते हैं कि हम इस लेक्चर में और क्या इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं। तो आने वाले दिनों में सारे इम्प्रूवमेंट जरूर होंगे जिससे आपको बहुत अधिक से अधिक फायदा हो। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।